move on to the attributes of body tag. जब आप body tag पर किसी attribute का use करते हो तो उसका effect पूरे document पे पड़ता है. पहला attribute है background. इस attribute से हम web page के background में image डाल सकते हैं. इसे set करने के लिए जो image हम web page के background में दिखाना चाहते हैं उसका URL background attribute के value के रूप में डालते हैं. URL का full form uniform resource locator है जो किसी website या website के page को represent करता है तथा user को किसी web page तक ले जाता है. यह internet में किसी file या website का एड्रेस होता है. नेक्स्ट एट्रीब्यूट इज बीजी कलर. बीजी कलर से हम वेब पेज का बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं. यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि कलर की स्पेलिंग COLOR है. इस एट्रीब्यूट की वैल्यू या तो कलर का नाम जैसे रेड ब्लू ग्रीन एक्सेट्रा होती है या फिर कलर की हेक्साडेसिमल कोड की वैल्यू होती है. वेब पेज में कलर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम #RRGGBB फॉर्मेट कोड का यूज करते हैं. वेयर RR स्टैंड्स फॉर द अमाउंट ऑफ रेड कलर, GG स्टैंड्स फॉर द अमाउंट ऑफ ग्रीन कलर एंड BB stands for the amount of blue color. These can take values from 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, and F. That is 0 to 9 and A to F. ये color code pair में दिए जाते हैं, जैसे 00, AB, 0F, etc. और यह सभी color का अमाउंट रिप्रेजेंट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल 00 एंड FF विल रिप्रेजेंट द मिनिमम एंड मैक्सिमम अमाउंट ऑफ दैट पर्टिकुलर कलर रिस्पेक्टिवली. लेट अस अंडरस्टैंड इट दिस वे. इफ यू वॉन्ट प्योरली रेड कलर देन द हेक्साडेसिमल वैल्यू फॉर दैट विल बी #FF0000. And similarly for purely blue color, the value would be #0000FF. For black color, it would be #0000000. For white, it would be #FFFFFF. For a shade of purple, it would be #80008080 and so on so forth. Next attribute है text. इस attribute का use किसी web page या HTML document के text का color change करने के लिए किया जाता है. जैसे suppose text attribute की value #FFFFFF या white है तो उस web page के सभी paragraphs headings एक्सेट्रा के टेक्स्ट व्हाइट कलर पे दिखेंगे. नेक्स्ट एट्रीब्यूट इज लिंक. यूजुअली हाइपरलिंक्स का कलर ब्लू होता है लेकिन अगर आप इसे बदलना चाहते हो तो लिंक एट्रीब्यूट का इस्तेमाल कर सकते हो. फॉर एग्जांपल आप इसे पर्पल करना चाहते हो तो लिंक एट्रीब्यूट को #80008080 वैल्यू दे दो. नेक्स्ट एट्रीब्यूट है वी लिंक. इसमें वी इज फॉर विजिटेड, मतलब वो लिंक जिसे आप ऑलरेडी विजिट कर चुके हो. इस एट्रीब्यूट से आप विजिटेड लिंक का कलर चेंज कर सकते हो. इसका एडवांटेज यह रहता है कि लिंक के कलर से आपको पता चल जाता है कि आप
वो पर्टिकुलर लिंक को ऑलरेडी विजिट कर चुके हो. एग्जाम्पल, सपोज लिंक एट्रीब्यूट की वैल्यू #0000FF या ब्लू है, तो वी लिंक की वैल्यू आप #660066 या पर्पल रख सकते हो. बॉडी टैग का नेक्स्ट एट्रीब्यूट है ए लिंक, दैट इज एक्टिव लिंक. यह वह लिंक है जो अभी आपके सामने खुला हुआ है. नॉर्मली एक्टिव लिंक का कलर रेड या #FF0000 होता है, जिसे आप चेंज कर सकते हो. अगर आप लिंक, वी लिंक और ए लिंक की कोई वैल्यू सेट नहीं करते हो, तब भी ब्राउज़र इनकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर देता है. डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ है लिंक के लिए ब्लू, वी लिंक के लिए पर्पल और ए लिंक के लिए रेड. नाउ लेट्स टू एट्रीब्यूट्स आर फॉर सेटिंग द लेफ्ट एंड टॉप मार्जिन ऑफ द वेब पेज. लेफ्ट मार्जिन, इट स्पेसिफाइज द लेफ्ट हैंड मार्जिन फॉर योर वेब पेज. इट्स वैल्यू इज गिवन इन पिक्सल्स. एग्जाम्पल, लेफ्ट मार्जिन इज इक्वल टू 40 मीन्स द कंटेंट्स ऑफ द वेब पेज विल बी प्लेस्ड 40 पिक्सल्स अवे फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द ब्राउजर विंडो. मतलब कि ब्राउजर विंडो और वेब पेज के कंटेंट्स के बीच में लेफ्ट हैंड साइड से 40 पिक्सल्स की स्पेस खाली रहेगी. टॉप मार्जिन, यह एट्रीब्यूट वेब पेज के कंटेंट्स के लिए टॉप से मार्जिन सेट करता है. मतलब कि ऊपर से वेब पेज के कंटेंट्स और ब्राउजर विंडो के बीच कितनी स्पेस खाली रहेगी, इसकी वैल्यू पिक्सल्स में दी जाती है. एग्जाम्पल, टॉप मार्जिन इज इक्वल टू 60 मीन्स ब्राउजर विंडो और वेब पेज के कंटेंट्स में ऊपर से 60 पिक्सल्स जितनी स्पेस खाली रहेगी. पिक्सल इज अ यूनिट इन कंप्यूटर इमेजिंग. नेक्स्ट टॉपिक इज हेडिंग टैग. यह टैग हेडिंग्स देने के काम आता है. HTML हेडिंग टैग 6 डिफरेंट लेवल्स को सपोर्ट करता है, H1 से H6 लेवल्स, और हर लेवल के यूज से टेक्स्ट की साइज छोटी होती जाती है. H1 लेवल सबसे इम्पोर्टेंट लेवल है और इसको वेब पेज के मेन हेडिंग के लिए यूज करते हैं. इसे केवल एक बार यूज करना चाहिए. इस हेडिंग के द्वारा ही सर्च इंजन किसी पर्टिकुलर आर्टिकल के बारे में पता लगाते हैं. H2 लेवल सब हेडिंग के लिए यूज करते हैं. इसे वेब पेज के किसी बड़े सेक्शन को सब सेक्शन में डिवाइड करने के लिए भी यूज करते हैं. सब हेडिंग को भी अगर हम सब हेडिंग, दैट इज माइनर हेडिंग, दैट इज सब हेडिंग को भी हम सब हेडिंग में डाल रहे हैं, दैट इज माइनर हेडिंग में डिफाइन करना हो, तो H3 लेवल का यूज किया जाता है. माइनर हेडिंग्स को भी ज़्यादा डीप लेवल में डिवाइड करना हो तो H4 और H5 लेवल्स का यूज किया जाता है. सबसे लीस्ट लेवल इम्पोर्टेंस के लिए H6 लेवल का यूज किया जाता है. H6 लेवल की हेडिंग नॉर्मल टेक्स्ट के करीब होता है. नेक्स्ट टैग इज पैराग्राफ या पी टैग. यह एक कंटेनर टैग है. इसे ब्लॉक टैग भी कहते हैं, क्योंकि यह वेब पेज के कंटेंट्स को ब्लॉक्स में दिखाता है. इस यूज करने से वेब पेज के टेक्स्ट पैराग्राफ
का रूप ले लेते हैं। सभी ब्राउजर्स पैराग्राफ के ऊपर और नीचे कुछ स्पेस ऐड कर देते हैं पैराग्राफ टैग्स के साथ। जो एट्रीब्यूट अटैच है वो है अलाइन। यह एट्रीब्यूट हमें पैराग्राफ की पोजीशन सेट करने में मदद करता है। ये जो वैल्यूज ले सकता है वो है लेफ्ट, मीन्स पैराग्राफ की पोजिशनिंग ब्राउजर के लेफ्ट साइड से होगी। राइट, मीन्स पैराग्राफ की पोजिशनिंग ब्राउजर के राइट साइड से होगी। और सेंटर मीन्स पैराग्राफ की पोजिशनिंग ब्राउजर के बीच से होगी। पैराग्राफ के साथ यूज होने वाले और टैग्स हैं, पहला बी टैग। यह कंटेनर टैग है। इसका यूज टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए किया जाता है। इससे टेक्स्ट अपने सराउंडिंग टेक्स्ट के तुलना में अधिक डार्क और थिक हो जाता है। इसका यूज पैराग्राफ में किसी पर्टिकुलर वर्ड या लाइन को बोल्ड करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट टैग इज आई टैग। यह एक कंटेनर टैग है। यह पैराग्राफ में टेक्स्ट को इटैलिक फॉर्मेट में चेंज करने के लिए यूज में लाया जाता है। इसे टेक्निकल टर्म्स या किसी थॉट इत्यादि के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट टैग इज यू टैग। यह कंटेनर टैग है। यह पैराग्राफ के किसी पर्टिकुलर वर्ड या लिंक को अंडरलाइन करने का काम करता है। नेक्स्ट टैग है सब टैग। यह कंटेनर टैग है। इसे जिस भी टेक्स्ट पर यूज करते हैं वह सबस्क्रिप्ट के रूप में दिखाई देता है। यह एक नॉर्मल टेक्स्ट को नॉर्मल लाइन के बीच हाफ कैरेक्टर में शो करता है। इसे केमिकल फॉर्मूलाज जैसे H2O, H2SO4 एक्सेट्रा को लिखने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट टैग इज सब टैग्स। यह टैग एक कंटेनर टैग है। इसे जिस भी टेक्स्ट पर यूज करते हैं वह सुपरस्क्रिप्ट के रूप में दिखाई देता है। यह एक नॉर्मल टेक्स्ट को नॉर्मल लाइन के ऊपर हाफ कैरेक्टर में शो करता है। इससे डेट्स, मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस जैसे 2 raised to 3 और फुटनोट्स इत्यादि लिखने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट टैग इज सेंटर टैग। यह एक कंटेनर टैग है जो इसे पैराग्राफ की कोई लाइन या टेक्स्ट को पैराग्राफ के सेंटर में दिखाने के लिए यूज करते हैं।